Hello everyone, how are you all? This is the fourth lecture of chapter number 12 of class 9 science, and that is sound. So in the last lecture we discussed about the sound. Sound is a vibration, sound is a mechanical waves, because sound is a wave nature. Sound requires medium, sound ko aage badhne ke liye medium ki zarurat padti hai, particles ki zarurat hai, isliye use mechanical wave bhi kaha jata hai. साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हम वेव कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो एम्पलीट्यूड वेवलेंथ लैम्बडा टी टाइम पीरियड एफ फ्रीक्वेंसी एंड वी फॉर वेव वेलोसिटी. साउंड का जो डायरेक्शन है प्रोपोगेशन का और वाइब्रेशन का वो एक दूसरे से पैरेलल है, तो इसीलिए लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव हमने देखे थे. साउंड कैसे आगे बढ़ता है, बाय कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, कंप्रेशन रेरिफेक्शन, इसी तरीके से आगे बढ़ता है. तो उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दोनों सेम हो जाते हैं. फिर हमने देखा था लाउडनेस एंड पिच. लाउडनेस मींस डिपेंडेंट अपॉन एम्पलीट्यूड, पिच इज डिपेंडेंट अपॉन फ्रीक्वेंसी. तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गई थी हमारी कि भाई लाउडनेस क्या होता है, लाउड साउंड यानी हाई एम्पलीट्यूड. तो ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ तक अगर जा रहा है ऊपर तक, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाउड साउंड. क्यों? क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, पिच की बात करें, तो इसे कहते हैं हाई पिच साउंड. क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है. साइकिल्स देखो कितने कंप्लीट हो गए, बहुत सारे साइकिल कंप्लीट हो गए. और एम्पलीट्यूड की अगर हम बात करें तो क्लियर, तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे ऊपर तक जा रहा है. तो ये एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा गया, तो उसे कहते हैं लाउड साउंड. क्योंकि हाई एम्पलीट्यूड है तो साउंड कैसा होगा, लाउड, जोर से चिल्ला रहे वैसे. और ये पिच वाला भी मैंने लास्ट टाइम बोला था, सो दैट इज हाई पिच साउंड, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. फिर हमने देखा था कि भाई हम कौन से साउंड को सुन सकते हैं. तो अगर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी बात करें तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज. 20,000 हर्ट्ज को क्या कह सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1000 स्टैंड्स फॉर किलो. तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक का हम सुन सकते हैं, दैट इज ऑडिबल साउंड. द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 20 हर्ट्ज आर नोन एज इंफ्रासोनिक साउंड एंड कैन नॉट बी हर्ड विद द ह्यूमन ईयर्स. द साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक साउंड, जिनकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज होती है. नाउ अगर उसी को अगर हम वेवलेंथ की रेंज में बात करें, तो हमने वो कैलकुलेशंस भी किए थे बाय द फॉर्मूलाज यहाँ पे जो मैंने लिखी थी, वी इज इक्वल्स टू लेमड़ा एफ. तो लेमड़ा इज इक्वल्स टू एफ इस तरफ जाएगा, तो वी बाई एफ, तो हमने लिख दिया लेमड़ा इज इक्वल्स टू वी बाई एफ. 346 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द अप्रोक्सीमेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. ये कितनी है, 346 मीटर पर सेकेंड, बट किस में, तो एयर में. नॉर्मल जो हमारे एटमोसफेयर गैसेस होते हैं उसमें साउंड इतनी स्पीड से ट्रैवल करता है, लिक्विड में उससे ज़्यादा और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें वेवलेंथ मिला था 17.3. अगर हम 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमें वेवलेंथ मिला था 0.073, दैट इज इक्वल्स टू 1.73 सेंटीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ की रेंज है वो हमारे लिए ऑडिबल है, जो हम सुन सकते हैं. इससे कम वाला होगा वो भी हम नहीं सुन सकते, इससे ज़्यादा वाला होगा वो भी हम नहीं सुन सकते, बिकॉज दैट इज़ द कैपेसिटी ऑफ आवर ह्यूमन ईयर. क्लियर? तो और अगर हम बात करें तो आज एक हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो सिंपल, जैसे कि अगर हमने बॉल को कहीं पे से टकराया तो टकरा के वापस आता है, सो दैट इज रिफ्लेक्शन. जैसे टकराया तो टकरा के वापस आए, टकरा के वापस आए. तो कहीं पे भी अगर हम साउंड को, ऐसे साउंड वेव जाएगा तो टकरा के वापस आता है. तो सिंपल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही फॉलो करता है. क्या फॉलो करता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपने लाइट के बारे में पढ़े. किसके बारे में पढ़े बेटा हमने? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़े हैं लाइट के बारे में. कैसे? कि भाई लाइट जो होता है, लाइट वेव्स होते हैं, वो अगर हम देखें तो कोई भी जगह पे टकराएंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हैं. आपने वो देखा होगा कि ऐसे लोअर स्टैंडर्ड्स में ऐसे एक्सपेरिमेंट आपने किए होंगे जो बिल्कुल आपको याद तो अभी नहीं ही होंगे,
लेकिन थोड़ा सा फिगर बनाओ तो शायद आपको याद आ जाए। यहाँ पे हम नॉर्मल बना देते थे, ये लाइट वेव है, अभी थोड़ा थोड़ा याद आया होगा किसी लोगों को भाई। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, और वो दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमारा सरफेस था, क्लियर। तो ये लाइट वेव, तो इसी तरीके का रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रिफ्लेक्शन होता है, क्लियर। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं वो साउंड के लिए भी सेम होते हैं जैसे ही लाइट के लिए होते हैं। कहीं पे भी ऐसा साउंड वेव जाएगा तो टकरा किस तरफ जाएगा, डिपेंडिंग अपन द शेप ऑफ द स्ट्रक्चर एंड शेप, हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन सेम होते, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अगर आप सोचो कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, तो उसका सबसे पहला अगर हम टॉपिक ले तो क्या होगा, तो एको, एको आवाज गूंजती है ना, आवाज गूंज रही है। जब हम नए घर में किसी के जाते हैं, या तो फिर हमारा खुद का घर है जिसमें फर्नीचर वर्नीचर कुछ नहीं अभी बना ही है, पूरा एम्प्टी सॉकेट ब्लॉक है, क्लियर। उसमें हम कोई चीज बोलते हैं तो सामने से आवाज आती है थोड़ी थोड़ी, क्लियर नहीं सुनाई देता लेकिन पता चलता है कि हाँ आवाज गूंज रही है, क्लियर। सो दैट इज एन एको। कब सुनाई देगा, तो देखते हैं कि हम कार्टून देखते हैं, यस और नो। सो कार्टून्स, कुछ कुछ आपने पुराने वाले कार्टून्स देखे होंगे, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि भाई अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उनके वीडियोस जैसा नहीं लगता, उनके फोटो फ्रेम्स जैसा लगता है, क्लियर। या तो फिर दूसरी चीज बोले तो कोई वीडियो होता ही नहीं है, कोई वीडियो होता ही नहीं है। आपने ऐसा सुना होगा FPS, आप जब फोटो से वीडियोस लेते हो या तो फिर नया फोन खरीदते हो तो उनकी कैमरे की क्वालिटीज होती है, नहीं होता है, तो आज सर्च कर सकते हो, आपके फोन में भी दिखाएगा, FPS सेटिंग में आ सकता है, हर एक अभी कैमरा फोन होते हैं उसके कैमराज में सेटिंग्स में होता है FPS। सुना भी होगा कि स्लो मोशन अच्छा चाहिए तो ज्यादा FPS वाला कैमरा चाहिए हमारा, क्लियर। सो नाउ व्हाट इज FPS, FPS का मतलब होता है फ्रेम्स पर सेकेंड, क्या होता है अगेन, फ्रेम्स पर सेकेंड, फ्रेम्स पर सेकेंड, फ्रेम्स यानी फोटोज, क्लिक कितने फोटोज आपने किए, दैट इज वन फ्रेम, टू फ्रेम, थ्री फ्रेम पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने फ्रेम्स हुए। तो FPS होता है 15 FPS होता है, 30 FPS होता है, 60 FPS होता है, 72 FPS होता है, और अभी तो और भी ज्यादा FPS हो सकते हैं, वो तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ द कैमरा। नाउ FPS क्या होता है, फ्रेम्स पर सेकेंड, वो तो समझ में आ गया, लेकिन क्यों, क्योंकि कोई वीडियो होता ही नहीं है, तो हम वीडियो देखते तो वो क्या होता है। सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोज, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फोटोज, कि अगर हम देखें कलेक्शन, कोई भी वीडियो अगर हम देखें तो उसमें बहुत सारे फोटोज होते हैं, और वो फोटो हम एक साथ इतनी स्पीड से हमें मूव करते हुए दिखाई देते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हम फोटो देखते हैं, हमारा ब्रेन है उसे एज ए वीडियो इंटरप्रेट कर पाता है, हमारा ब्रेन है वो अलग अलग फोटोज को देख पाता नहीं है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से जा रहे हैं, तो हम हमारे ब्रेन को ऐसा फुल बना देते क्योंकि वो इतने स्पीड में जाते हुए फोटोज को, अलग अलग फोटोज को इंटरप्रेट नहीं कर पाता। जैसे कि हम एल्बम्स देखते तो एल्बम्स में क्या होता है कि एक फोटो देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, हाँ तो अलग अलग, क्योंकि उसके बीच में टाइम जा रहा है कि हम फोटो चेंज करने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एक अलग फोटो, ये अलग फोटो, एक अलग फोटो, एक अलग फोटो। फोन की गैलरीज में हम जैसे हम स्वाइप अप करते तो पता चल जाता है हाँ नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। लेकिन कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे आपने जिसमें बुक होती है, बुक में से इतना स्पीड से पेजेस करते हैं और हर एक पेज पे कोई ना कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा होता है, तो हमें वीडियो जैसा लगता है। सो दैट इज एग्जैक्टली कि उसी तरीके से हमारे फोन में उससे भी ज्यादा स्पीड से ऐसे फोटोज मूव होते हैं, तो इतनी ज्यादा स्पीड से फोटो मूव होते हैं कि हमारा ब्रेन है वो एक इंडिविजुअल फोटो को इंटरप्रेट कर पाता नहीं है, समझ नहीं पाता है, उसको लग रहा है कि ऐसे वीडियो जा रहा है, क्लियर, पता चला। सो सिमिलरली अगर 16 फ्रेम्स पर सेकेंड, 16 फोटोज पर सेकेंड, क्लियर, अगर 16 FPS से कम होगा, अगर एक सेकेंड में 16 फोटोज से कम फोटोज जाएंगे, तो फिर हमारा ब्रेन समझ जाएगा कि उसको पता चलेगा कि ये वीडियो नहीं है, वो अलग अलग फोटोज रिकॉग्नाइज कर सकेगा, तो मतलब वो इतना क्लियर कि वो चिपक चिपक के चलने वाला वीडियो होता है ना वैसा लगेगा वो, क्योंकि वो ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है कि अलग फोटो अलग फोटो अलग फोटो अलग फोटो अलग फोटो अलग फोटो, समझ में आया। तो एक वो हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर लेता है कि भाई वीडियो जैसा नहीं चल रहा, ये तो अलग अलग फोटोज है। कब, जब वो 16 FPS होता है, तो मतलब अगर आपको वीडियो चाहिए तो मिनिमम 16 FPS का तो होना ही चाहिए,
उससे कम होगा तो वीडियो जैसा नहीं लगेगा, वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 ऐसे फोटोज घूम रहे ऐसा समझ में आ जाएगा ब्रेन को। सिमिलरली हियरिंग में भी ऐसा होता है, सिमिलरली हियरिंग में भी ऐसा होता है कि जैसे आप लोग आवाज सुन रहे हो, आप लोग आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो यहाँ पे तो भी फोन है तो फोन के स्पीकर से डायरेक्टली आपके कान तक पहुंच रहा है, लेकिन ऐसा सही में नहीं है। तो क्या होता है सही में, ऐसे फोन के स्पीकर से ही तो आवाज निकलती है, ऑब्वियस है फोन के स्पीकर से निकल रही है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आप फोन देख रहे हैं तो फोन के स्पीकर से तो डायरेक्टली आवाज आपके कान तक पहुंची। दूसरा जैसे आपने अगर पकड़ा है तो आपके हाथ से टकरा के भी आपके कान तक पहुंचेगी, वो साउंड है तो सभी जगह पे स्प्रेड होगा, तो पीछे वॉल से टकरा के पहुंचेगा, यहां से टकरा के, यहां से ऐसा साउंड हो गया, टकरा के इस तरफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उस तरफ गया वहां से टकरा के साउंड, नीचे सीलिंग में गया वहां से टकरा के, तक वहां से टकरा के, तो मतलब एक ही तरीके के साउंड हुए सभी जगह से, बहुत सारी जगह से, हंड्रेड्स ऑफ अलग अलग जगह से टकरा के हमारी ईयर्स तक पहुंचेंगे। ये सुनो, तो मतलब आपको तो कितनी आवाजें सुनाई देनी चाहिए, हंड्रेड्स ऑफ साउंड सुनाई देने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ऐसा बहुत बार सुनाना चाहिए आपको। तो समझ में आया, एक बार बोला मैंने समझ में आया तो समझ में आया, तो बहुत ज्यादा आवाजें आपके कान तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन होता है ऐसा नहीं होता है, हम एक ही साउंड सुनते हैं। उसका रीजन क्या है कि इतनी सारी साउंड वेव्स हमारी ईयर्स तक आती जरूर है, इतनी सारी साउंड वेव्स हमारे ईयर्स तक आती जरूर है, लेकिन तो लेकिन अगर हम बात करें तो उन सभी साउंड वेव्स के बीच में कोई टाइम डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है, बहुत कम निग्लिजिबल टाइम डिफरेंस होता है। क्लियर कि पहली साउंड वेव आई और दूसरी साउंड वेव के बीच में कोई ज्यादा टाइम का डिफरेंस होता नहीं है, इसीलिए हमारा जो ब्रेन है दो अलग अलग साउंड वेव्स को इंटरप्रेट कर पाता नहीं है, उसको लगता है कि ये तो एक ही है। तो कब इंटरप्रेट कर पाएगा, क्योंकि जब दोनों साउंड वेव्स को बीच में थोड़ा सा टाइम रहेगा कि एक आवाज आपने सुनी और दूसरी आवाज सुनने में थोड़ा बीच में टाइम लगा, एक आवाज हमने सुनी और दूसरी आवाज दूसरे साउंड को सुनने में हमें थोड़ा सा टाइम लगा, बीच में टाइम आया कि एक वेव हमारे ईयर्स तक पहुंच गया और दूसरी ईयर को दूसरी वेव को ईयर तक पहुंचने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा, तो क्या होगा, तो ब्रेन है वो दो अलग अलग साउंड वेव्स को अलग से इंटरप्रेट कर पाएगा। तो आप दो बार क्लियरली सुनोगे तो हर एक चीज दो बार होगी, हर एक चीज दो बार सुनाई देगी। समझे जैसे दो बार आवाज अगर क्लियरली, बीच में थोड़ा सा टाइम रहा तो वरना नहीं। क्लियर, तो ये बीच में जब टाइम मिलता है तो आपको समझ में आता है कि हाँ दो दो आवाज सुनाई दे रही है, वरना तो क्या है एक ही आवाज चल रही है जो चल रही है। समझ में आया, तो थोड़ा सा टाइम और वो मिनिमम जैसे कि फोटोज में होता है 16 फ्रेम्स पर सेकेंड, तो साउंड में होता है 0.1 सेकेंड, कितना ज्यादा नहीं, एक सेकेंड का 10th पार्ट, मतलब बहुत कम टाइम हुआ। अगर उतना सा भी दो वेव्स के बीच में थोड़ा सा टाइम रह गया ना, 0.1 सेकेंड का डिफरेंस, तो दोनों वेव्स आप अलग से सुन सकते हो, कितना 0.1 सेकेंड। धोनी इससे ज्यादा स्पीड में स्टंपिंग कर लेता है। क्लियर, सो 0.1 सेकेंड का दो साउंड वेव्स के बीच में डिफरेंस होगा, तो दोनों साउंड वेव्स को हमारा ब्रेन जो है वो क्लियरली इंटरप्रेट कर सकता है। गेटिंग इट, यस और नो? तो इसका मतलब है कि जैसे मैंने बोला, यहां से आप यहाँ पे कोई भी चीज दी आपके स्पीकर में, वो यहाँ पे फोन में चल रहा है तो स्पीकर में से आवाज निकली, सपोज एक वॉल है आपका बहुत दूर, तो क्या होगा, साउंड वहां गया, वेव निकल के उस वॉल की तरफ भागा, वेव जा रहा है उस वॉल की तरफ, उस वॉल बहुत दूर है तो वहां से टकरा के वापिस आएगा और आपकी ईयर तक पहुंचेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का, तो सभी जगह से टकरा के वापिस आके पहुंच सकते हैं हमारी ईयर तक। तो समझ लीजिए कि पीछे एक जो बहुत दूर जो वॉल है, बहुत बड़ा हॉल है कि आप चल के जाओ तो थक जाओ, वहां पे टकरा के साउंड वापिस आएगा, क्योंकि टकराएगा तो वापिस आएगा, तो वो टकरा के वापस आने में सपोज उसको टाइम लग गया 0.1 सेकेंड, कितना टाइम लगा, मोर देन 0.1 सेकेंड, और हम मान लेते 0.1 सेकेंड। तो अगर उसको 0.1 सेकेंड टाइम लगा तो आप वही की वही चीज दूसरी बार सुनोगे, वही की वही चीज दूसरी बार सुनोगे, बिकॉज इट टेक्स मोर देन 0.1 सेकेंड। आए समझ में, क्लियर? तो ये जो चीज है उसे हम कहते हैं एको, उसे क्या कह देते हम, एको। क्लियर, पता चला? सो व्हाट इज एको, समझ में आ गया
कि वही चीज अगर हम बार वापस वही चीज सुन रहे हैं तो उसे हम कहते हैं एको। तो उसे हम क्या कह देते हैं? एको। कब? जब दूसरी वेव को 0.1 सेकेंड। तो ये कब होता है? जब हम नए घर में जाते हैं तो वो घर इतना बड़ा होता है, फिर वहाँ पे ऊपर तक सीलिंग तक वो 2 माले है 3 माले है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड फ्लोर तक वॉइस गया, वहाँ पे टक इसी से टकरा के वापस नीचे तक आ रहा, मरीज तक पहुँचा, तो तब हमारी आवाज़ गुनती हुई सुनाई देती है। कोई हिल स्टेशन पे गए, कोई हिल पे जाके हम चिल्ला रहे हैं, तो 2 हिल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली साउंड वेव की स्पीड के हिसाब से उसको डिस्टेंस ट्रैवल करने में 0.1 सेकंड या उससे ज़्यादा टाइम लगता है, तो टकरा के वापस आता है तो हमें थोड़ी देर बाद वो सुनाई देता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? एको। सो दैट इज सिंपल रिफ्लेक्शन, दैट इज सिंपल रिफ्लेक्शन। तो वो देख लेते कि भाई कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास स्पीड है इन एयर, सो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, वी इंटू टी हो जाएगा। स्पीड कितना है? 346 इंटू 0.1, सो 0.1 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 34.6 मीटर, जिसे अप्रोक्सीमेटली हम 34 मीटर ले लेते ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब समझ लेना कि भाई होता 34.6 है लेकिन हम 34 गिन रहे हैं। तो अगर साउंड वेव को 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना लग रहा है, अगर कितना ट्रैवल कर रहा है साउंड वेव? 34 मीटर, तो दोनों साउंड वेव्स आपको क्लियरली सुनाई देगी। पहले वो तो एक तय कर लेना है कि हमारे ईयर्स तक जो चीज हम सुन रहे हैं वो काफी जगह से टकरा टकरा के रिफ्लेक्ट होके फिर आ रही है, तो एक साथ तो बहुत सारे साउंड वेव्स हमारे ईयर्स तक आ रहे हैं लेकिन उनके बीच में कोई ज्यादा टाइम डिफरेंस नहीं है, इसीलिए हमें एक ही आवाज लगती है। लेकिन अगर 34 मीटर डिस्टेंस कोई वेव ट्रैवल करेगा तो पहली आवाज तो आपको तुरंत सुनाई देगी, दूसरी आवाज में थोड़ा टाइम लगेगा, तो दोनों आवाज आप क्लियरली अलग अलग सुन सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहले सुना, दो बार सुनाई देगा। समझ में आया? उसे हम कहते हैं एको। उसे क्या कह देते हैं? हम एको। और कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए? 34 मीटर। तो हम गलत होंगे, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस है साउंड वेव का ट्रैवल किया हुआ। 34 मीटर डिस्टेंस तो कौन ट्रैवल करता है? साउंड वेव ट्रैवल करता है। तो साउंड वेव 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो वॉल का डिस्टेंस तो 17 मीटर होगा तो भी चलेगा। वॉल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 17, क्योंकि साउंड वेव गया 17 मीटर, आने के लिए वापस 17 मीटर, जाने के 17 और आने के 17, तो 17 34 मीटर हो गया। अगर आपको एको सुनना है तो कोई भी वॉल को 17 मीटर दूर रखो तो साउंड वेव 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और आपको इजीली और क्लियरली एको सुनाई देगा, जो बड़े हॉल्स में हमें सुनाई देता है, बड़े हॉल्स में हमें जो सुनाई दे रहा है। सो दैट इज एन एको। क्लियर? जैसे मूवी थिएटर्स होता है, लेकिन हम छोटे से घर में जाते हैं तब भी ऐसे बहुत सारे रिफ्लेक्शन होने के बाद अगर वेव आता है तो कभी कभार 34 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, इसीलिए एको सुनाई देता है, लेकिन उतना क्लियर नहीं सुनाई देता है। लेकिन थिएटर जैसा बड़ा हॉल हो तो उसमें तो सुनाई देना चाहिए, लेकिन थिएटर में तो और भी अच्छी आवाज़ आती है, बिल्कुल एको होता नहीं है। क्यों? उसका रीज़न है कि थिएटर के वहाँ पे, मतलब जैसे सिंपल पहले हाउस का ही देख लो, कि अगर हम घर की ही बात करें तो घर में ही अगर फर्नीचर हो, कर्टेन वर्टेंस लगे हो, नीचे कारपेट्स लगाए हुए हो, बेड आगे हो, सारी चीज़ें हम रहते हैं जो घर में, उसमें एको सुनाई नहीं देता। अगर सारी चीज़ें खाली कर दे, पूरा घर एम्प्टी हो, तो उसमें एको सुनाई देता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बाकी की सारी चीज़ें ना वो साउंड एब्जॉर्बर का वर्क करती है, साउंड टकरा के वापस तो आना चाहिए ना, लेकिन हमारे जैसे स्किन है, फिर रफ सर्फेसिस है, तो उसमें जब साउंड टकराते हैं तो वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है, टकरा के वापस आ पाता नहीं है। जैसे कि सोफ़ा है, फर्नीचर है, कर्टेन्स है, नीचे जो स्वीप्स होते हैं, कारपेट्स होती है, तो इसीलिए वहाँ पे हमें आवाज़ सुनाई देती नहीं है, एको सुनाई देता नहीं है। सिमिलरली थिएटर्स की अगर हम बात करें तो थिएटर के नीचे तो पूरा कारपेट लगाया होता है जहाँ पे हम चलते हैं, इतने सारे सीट होते हैं, फिर उनके वॉल्स देखो तो वॉल पे भी कारपेट लगा हुआ है, कपड़ा लगाया होता है, उसके जो सीलिंग्स होती है वहाँ पे भी साउंड एब्जॉर्बर्स लगे, उल्टे स्पीकर जैसे लगते हैं, और स्पीकर तो नहीं होते लेकिन वो साउंड एब्जॉर्बर होते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, टकरा के वापस आने देते नहीं है। तो थिएटर में कोई ऐसी जगह होती ही नहीं है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो सके, ईच एंड एवरीथिंग इज साउंड प्रूफ, साउंड एब्जॉर्ब कर लेता है। साउंड प्रूफ तो नहीं कि बाहर नहीं जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन साउंड एब्जॉर्बर्स होते हैं सारी जगह पे, इसीलिए वहाँ पे भी एको होता
नहीं है। तो जैसे जब बड़े बड़े होल्स है तो उसमें भी ऐसा ही होता है, अगर लोग ज्यादा है तो लोग, हम जो पर्सन ह्यूमंस है वही ऐसे साउंड एब्जॉर्बर वर्क करेंगे तो एको नहीं होगा। अगर एम्प्टी हॉल होगा उसमें कोई चिल्ला रहा है तो ऑब्वियसली उसमें एको सुनाई देगा। क्लियर? तो अच्छे से एक बार एको पढ़ लो, आगे की सारी चीजें रिवाइज कर लो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, भले ही छोटा सा वीडियो हुआ लेकिन एको समझ में आना चाहिए और ये कैलकुलेशन जो हमने किया वो आपको समझ में आना चाहिए। एक दो न्यूमेरिकल्स है वो आपको होमवर्क में ट्राई करने हैं, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स है और हो ही जाएंगे। लेकिन दो अलग अलग फॉर्मूलाज है, जब डिस्टेंस की बात आती है तो v इज इक्वल्स टू हमारा एज चैप्टर वाला फॉर्मूला लेना है, v इज इक्वल्स टू s बाई t, और नॉर्मली v इज इक्वल्स टू लेमडा f, और वो जो फॉर्मूलाज हम यूज करते थे वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दोनों फॉर्मूलाज में मिक्सअप ना हो जाए, कब कौन से फॉर्मूलाज है वो थोड़ा सा क्लियर कर लो, दो तीन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे खुद से, क्वेश्चन समझोगे तो समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।